दोस्तों, इस स्टोरी को एंड तक सुनिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए कि अपने माइंड को पॉजिटिव रखने से पहले हमें क्या करना चाहिए। एक राजा था जिसके चार घोड़े थे जो बिल्कुल ही अनट्रेन घोड़े थे। इन घोड़ों को कोई भी ट्रेन नहीं कर पाया। राजा ने कहा जो भी इन घोड़ों को ट्रेन कर सकेगा उन्हें एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन जैसे ही कोई भी घोड़े को हाथ लगाता, घोड़ा उसे खींच कर फेंक देता। बहुत लोगों ने कोशिश की और कई लोगों के हड्डियां भी टूट गए। एक दिन एक जवान आदमी आया और उसने कहा मैं इन घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ। राजा ने उस आदमी से कहा कि बहुत लोगों ने कोशिश की है और उन्होंने अपनी हड्डियां भी तोड़वा दी है, लेकिन कोई भी अब तक सफल नहीं हुआ है उन्हें ट्रेन करने में। उस आदमी ने फिर भी कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं इन घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ। उस आदमी ने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है, इन घोड़ों को मैं अपने पास ही रखूंगा जब तक ये पूरी तरह से ट्रेन नहीं हो जाते। और राजा ने उसकी बात मान ली। हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए और एक साल निकल गया, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आया। राजा ने कहा इन घोड़ों को अब भूल जाओ क्योंकि ये अब कभी वापस नहीं आएंगे। घोड़े अब तक ट्रेनर को शायद छोड़कर भाग चुके होंगे। लेकिन कुछ देर बाद उसने घोड़ों की आवाज सुनी और उसने देखा कि उसके चार घोड़े शांति से एक ही लाइन में आगे बढ़ रहे थे उस आदमी के साथ। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ कि घोड़े ट्रेन हो चुके हैं और उसने उस आदमी से पूछा, मुझे बताओ तुमने इन्हें ट्रेन कैसे किया और तुमने इतना टाइम क्यों लगाया? उस ट्रेनर ने कहा, घोड़े सच में बहुत ही जंगली थे। जब मैं घोड़ों को ले गया, मैंने उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया ताकि वो जो करना चाहे कर सके, और उनके साथ मैं भी वही करने लगा जो वो कर रहे थे। जब वो भागते तो मैं भी उनके साथ भागता था, जब वो सोते थे तो मैं भी उनके साथ सोता था, जब वो खाना खाते थे तो मैं भी उसी वक्त अपना खाना खाता था। इसी तरह से घोड़े सोचने लगे कि मैं उनके साथ एक पांचवा घोड़ा हूँ। कुछ समय बाद मैंने घोड़ों की पीठ पर सीट रखा, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने सीट खींच कर निकाल दिया। लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद धीरे धीरे उन्हें सीट की आदत पड़ गई। उसके बाद मैंने उन्हें बेल्ट पहनाया, वो भी उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने खींच कर निकाल दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें बेल्ट की भी आदत हो गई। इसी तरह से धीरे धीरे मैं उनका दोस्त बन गया और मैं उन्हें ट्रेन कर पाया। दूसरों ने गलती ये की कि वो पहले ही दिन से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे बिना उनसे दोस्ती करे। ठीक इसी तरह हमारे अंदर भी चार अनट्रेन्ड घोड़े हैं और वो है मानस, बुद्धि, चिंता और अहंकार। और जब हमें इनमें से किसी एक को कंट्रोल करना है, हम उसी वक्त उन पर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि हम एक ही मिनट में खुद के मास्टर बनना चाहते हैं बिना खुद पे कोई काम किए। हम इन चार घोड़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं और यही वजह है कि हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। इन चार घोड़ों में से एक घोड़ा हमसे जब भी कहता है आओ बैठकर घोड़सवारी करते हैं, और जैसे ही हम घोड़े पर बैठते हैं घोड़ा हमें गिराकर फेंक देता है, और फिर गिराने के बाद कोई दूसरा घोड़ा फिर से हमसे कहेगा आओ मेरी पीठ पर बैठो और फिर से हमें गिरा देगा। इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें पहले अपने मन से दोस्ती करनी पड़ेगी और वो करने के बाद ही हमारा मन हमारी बात सुनना शुरू करेगा। जब तक हमने अपने मन से दोस्ती नहीं की है, हम हमेशा ही स्ट्रगल करते रहेंगे अपने मन के साथ। और यही कारण है कि बहुत लोग योगा, प्राणायाम या स्पिरिचुअलिटी में जाकर भी सफल नहीं हुए अपने मन को कंट्रोल करने में, क्योंकि उनका अहंकार उनके मन से दोस्ती पहले करने नहीं देता। तो इसीलिए हमारे जो चार घोड़े हैं, मनस, बुद्धि, चिंता और अहंकार, हमें उनसे पहले दोस्ती करनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम अपने मन के साथ खुश रहना सीख सकेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग हमें ये कहता है कि अपने मन से पॉजिटिव बात करो, लेकिन हर किसी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करता है। और कभी हम अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग से समझा सके और कभी शायद ना समझा सके। इसकी वजह यही है कि हमने अपने मन से दोस्ती नहीं की है। तो जब आपका मन आपकी बात नहीं माने, उसे पहले अपना दोस्त बनाइए, उसे चाय पिलाइए या आइसक्रीम खिलाइए। कहने का मतलब यही है कि अपने मन से एक दोस्त की तरह बात करिए और फिर आपका मन आपकी बात बेहतर समझने लगेगा। दोस्तों, मैं कोई गुरु नहीं हूँ जिसने ये स्टोरी खुद लिखी है। ये मैंने सुना है स्वामी निरंजनंदा के लेक्चर में, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस कहानी को याद रखेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।